हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टूल इन्फो 1232 पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आ गए हैं शॉप के ऊपर, जो कि हमारी सबसे फेवरेट शॉप है किंग टूल सूरत। और इसका जो एड्रेस और मोबाइल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आज यहाँ पे शॉप पे वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आज हम टू व्हीलर की एक अपडेट की हुई एक नई किट लेके आने वाले हैं। चलते हुए आज हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, उसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। और आज की जो किट आप परचेस करेंगे उसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी ऑफ़र मिलने वाली है। वो हमारे को पूरी ऑफ़र की डिटेल और पूरी जो किट का एक्सप्लेनेशन है वो फैजल भाई हमको बताएंगे। तो जिन्होंने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। और हाँ, ये हमारा पार्सल का भी जो सुविधा है आप देख सकते हो, ये इसी तरीके से बॉक्स के अंदर आपको पूरी बाइक की किट मिलेगी, जिसके अंदर पूरा प्रीमियम क्वालिटी की। और आप कोई सी भी किट मंगाएंगे, फोर व्हीलर की भी किट मंगाएंगे, तो आपको ऐसे ही पैकिंग के अंदर कंप्लीट आपको किट मिलेगी। अब ये किट के अंदर हमने क्या क्या रखा हुआ है वो कंप्लीट डिटेल फैजल भाई आपको पहले हमारा प्रोडक्ट रहेगा। ये आपका एक जो सबसे रनिंग जो प्रोडक्ट रहता है, जिसमें रिंग पाना और फिक्स पाना जिसको बोलते हैं, चाबी पाना और रिंग पाना। ओके, ये आपको अरुण भाई खोल के दिखा रहे हैं, इसको भी खोलो अरुण भाई। और हाँ, जो पहले जो किट बनाया था उसके अंदर हमने रनिंग वाला प्रोडक्ट यूज़ किया था। अभी जो उसके अंदर जो किट बनाया है, सब कस्टमर का डिमांड था हमारे पास कि आप कोई बढ़िया क्वालिटी दिखाओ। तो पहले भी बढ़िया था, लेकिन अभी उससे बढ़िया हमने क्वालिटी बनाया। ये टाटा कंपनी में ये सब इलेप्टिकल है। और ये लेने से आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि आपका जो आजू बाजू जो शॉप वाला रहता, दुकान वाला, वो आपको बोलेगा कि भाई ये मेरा को एक रिंग पाना दे। वो आपसे रिंग पाना लेके जाता है, लेकिन फिर बाद में बोलता है ये पाना मेरा ही है, उसको वापस रिटर्न नहीं करता है। तो इससे बेनिफिट होगा, इलेप्टिकल इसका पूरा पैटर्न कंपनी ने अलग बनाया हुआ है। तो कस्टमर अगर लेके भी जाएगा तो तुरंत ही पता जाएगा कि भाई ये मेरा पाना है, क्योंकि ये जल्दी मार्केट में नहीं मिलता। पूरा इलेप्टिकल क्रोम किया हुआ है और टाटा ओरिजिनल कंपनी का है और गारंटी वाला माल है। कभी भी टूटेगा, स्लिप मारेगा, पिस्टोबल जिपलेस। हाँ, इसमें 6-7 से स्टार्ट होगा, वो भी मैं बता दूँ आपको। देख लीजिए आप, इसमें ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे पूरा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 21, 23, 24, 27, 25, 28, 30, 32 ऐसे रिंग पाने का पूरा सेट आएगा। और इसी तरह पूरा फिक्स पाने का भी सेट आएगा। देख लो, उसको भी मैं एक बार खोल के दिखा दूँ। और हाँ, मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, आप इस वीडियो में बने रहिए। और इसमें आपको एक एक प्रोडक्ट मैं आपको पूरा अनबॉक्सिंग करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप, इसमें भी 6-7 से स्टार्ट हो गया, 30-32 तक का पूरा सेट आएगा। और ये भी इलेप्टिकल है। ये कंपनी का खासियत ऐसा है कि रिंग पाना, फिक्स पाना, हर चीज़ ये इलेप्टिकल बनाता है। ओके, देख लीजिए आप, ये पूरा ये एक बार ये पहले ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद हम ये ले रहे हैं, ये क्या चीज है फैजल भाई? ये मैंने लास्ट वीडियो में ये किट ही रखा था, याटो कंपनी का। ये कस्टमर ने इसका बहुत डिमांड किया कि फैजल भाई ये चीज बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए ये किट में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। इसके अंदर ये किट यही रखा है मैंने, आधे का सूखे सेट। एक बार इसको भी आप खोल के बता जी, मैं दिखा दूं इसको अभी। इसको देखो, मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ये देख लीजिए। ये याटो मेड इन पोलैंड का कंपनी रहता है। ये बॉक्स पाने का आपको सबका गारंटी रहेगा, कभी भी टूट जाएगा, स्लिप मारेगा, पिस्टोबल डिस्प्ले। और हाँ, ये जो कॉमन रेचर था उस टाइप का रेचर नहीं, इसमें 72 टीट है। इसका आप वॉइस सुन सकते हो, ये वॉइस सुन सकते हो आप यहाँ पे, ये 72 गियर का है, ठीक है। इसमें यहाँ से वो तो पता ही रहेगा सबको, यहाँ से राइट लेफ्ट रहता है, लेकिन ये बहुत ही हैवी ड्यूटी है, ठीक है। ये एक किट हमने ये एक ऐड किया है, ठीक है। ये किट हो गया। अब क्या दूं फैजल भाई जी मुझे? अभी आप है ना, तो अभी मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट, ये इसके अंदर जो किट के अंदर जो वो टिप स्पिनर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एवरेस्ट कंपनी का हमने ऐड किया हुआ है, ये सिंगल पीस से बना हुआ है, ये एवरेस्ट कंपनी का। और इसका थोड़ा लेंथ भी बड़ा है और ये जो ग्रिपिंग है इसका बहुत कंफर्टेबल है और डबल हैंडल से वो टाइट कर सकता है। और अदर जो कंपनी का था उसमें सिंगल था, वो डबल हैंडल से नहीं कर सकता था। ये हैवी ड्यूटी टी स्पिनर दिया, ये भी गारंटी वाला, कभी टूटेगा, स्लिप मारेगा, पिस्टोबल। और हाँ, ये जो हैवी किट के अंदर ऐड किया, लाइट किट में ये हमने ऐड नहीं किया था, ठीक है। इसमें जो साइज आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 7 नंबर है। 7 नंबर में एवरेज कंपनी टी स्पिनर नहीं बनाती है, वन नाम वो भी 7 नंबर का एवरेज में ऐड करते हैं, लेकिन वो कंपनी नहीं बनाती, वो कंपनी 8, 10, 12, 13, 14 ऐसे बनाती है, ठीक है। ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, और ये 10 नंबर है, ये 12 नंबर है, और ये 13 नंबर है, ठीक है। और उसी तरह एक ये 14 नंबर का जो ब्रेक टी गोटी बोलते हैं,
जो ब्रेक टाइट करते ना उसके अंदर लेंथ ज़्यादा चाहिए जो अंदर जाके टाइट होता है, उसीलिए हमने एक 14 नंबर ब्रेक टी गोटी भी यूज़ किया किट के अंदर, ठीक है। और ये ऑयल पम्प कूलर, जो ऑयल पम्प खोलते हैं गाड़ी के अंदर गैरेज वाले वो मुझसे ज़्यादा जानते हुए, लेकिन ये हमने वो भी ऐड किया है, ठीक है। ये टी स्पिनर में ये सब हमने ऐड किया है, ये इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। और ये जंपर सलिया हमने हैवी ड्यूटी ऐड किया है, जो हिरोंडा में जो लगता है अरुण भाई जी, ये हमने वो ऐड किया है। और इसमें हमने एक हैवी ड्यूटी भी ऐड किया है एफ जेड का, ये दोनों सलिया हमने ऐड किए हैवी किट के अंदर, ठीक है। ये हैवी ड्यूटी है, ये देख सकते हो प्रीमियम किट में आएगा, ये प्रीमियम किट में आएगा। और हाँ, अभी मैं आपको ना सारी रनिंग प्लायर दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये आपको ये दिखा देता हूँ, ये इंटरनल, ये खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको, ये भी सब ब्रांडेड कंपनी की आएगी। ये इंटरनल है, ठीक है, ये इंटर, ये लॉक को दबाएगा और एक आउटर आएगा जो लॉक को खोलेगा, ये आउटर, ठीक है। ये एक इंटरनल और एक आउटर, दो प्लायर हमने ऐड किया है किट के अंदर। और दूसरी जो प्लायर है वो रनिंग वाली प्लायर है, जिसमें हमने हैवी क्वालिटी ऐड किया, देख सकते हो आप, ये भी टाटा कंपनी का है, टाटा कंपनी की है, इसका कभी धार नहीं बैठेगा, हैवी ड्यूटी प्लायर है ये, ओके। ये हमने एक प्लायर ऐड किया, और हाँ, ये सबसे रनिंग प्लायर भी ऐड किया हमने, जो तापड़िया कंपनी का है, देख सकते हो आप, ठीक है, कंप्लीट तापड़िया, तापड़िया कंपनी का जी। ये ग्रिप प्लायर बोलते हैं इसको, लॉक प्लायर, ग्रिप प्लायर, तोता प्लायर, वो सब सबकी भाषा में अलग अलग बोलते हैं। ये यहाँ से पीछे से आप इसे दबाओगे ना तो ये टाइट होकर से लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये हमने तापड़िया कंपनी का ऐड किया हैवी ड्यूटी के अंदर। और इसी तरह ये हमने वाटर पंप प्लायर भी हमने तापड़िया कंपनी की ऐड की है, पॉपट पकड़, पॉपट प्लायर बोलते हैं जिसको, तोता पकड़ बोलते हैं सब, डबल ग्रिप वाली है, डबल ग्रिप वाली है। और ये ओरिजिनल तापड़िया, हमारे यहाँ डुप्लीकेट का कोई काम नहीं, हम सब ओरिजिनल आइटम देते कस्टमर से। मैं इसको खोल के दिखा दूँ, देख लीजिए आप, ओके, ये वाटर पंप प्लायर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, यार भी है ना जी। हाँ, अभी इसी तरह एक हमने एक नोज प्लायर भी ऐड किया है, जिसको पतली जगह में जाके यूज़ करना है, नोज प्लायर, ये भी हमने ऐड किया है, ये भी बेस्ट क्वालिटी मगध कंपनी का ऐड किया है, ठीक है। और हाँ, ये एलेंकी सेट भी एक ऐड किया हमने, जो एलेंकी आती है, जिसमें 1.5 mm से स्टार्ट हो के 10 mm तक है, जिसको देसी भाषा में 1.5 mm से स्टार्ट होकर 10 mm तक का ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये पूरा, ये भी तापड़िया कंपनी का आएगा। और इसी तरह हमने एक स्टार लिंक ऐड किया है। अभी ये आप पूछेंगे स्टार लिंक क्यों ऐड किया, क्योंकि अभी ना अरुण भाई इसके अंदर एफ जेड R15 और जो बड़ा बड़ा जो अभी जो गाड़ी आ रहा है सबके अंदर ये 6-pale वाला आ रहा है, 6-pale वाला, हाँ, अक्सर स्क्रू है जी, हमने ये वाला ऐड किया है, तो ताकि क्या है कि कस्टमर को आसानी हो, कि खुद ही के पास सारा सामान मिल जाना चाहिए, पूरा किट ले रहा है तो उसको एक भी चीज के लिए कहीं जाना नहीं पड़े, ठीक है। ये भी हमने ऐड किया हैवी वाला। और इसी तरह हमने एक सीजर ऐड किया है, ये छोटा साइज का है, इसको छीनी बोलते हैं देसी भाषा में, इसमें 101 नंबर का एक ऐड किया, जो आप चेन कटर बोलते हैं, जिससे चेन भी काट सकते हो आप, ठीक है। और इसमें एक बड़े वाला ऐड किया है, ये बड़े वाला, ये भी तापड़िया कंपनी का है। और एक पंच ऐड किया हमने, ये पंच ऐड किया है, सेंटर पंच बोलते जिसको, बहुत बढ़िया, अच्छी क्वालिटी, ठीक है। अभी और दूसरा, ये हमने दो कानस भी ऐड किया हुआ है, एक ये फ्लैट वाला है और इसमें एक हाफ राउंड है और एक ये फ्लैट है दोनों तरफ से, तो इसकी जगह पे कह के कस्टमर को राउंड चाहिएगा तो ओनली हम राउंड भी दे सकते हैं, एक फ्लैट और एक राउंड, ठीक है। ये तो मैंने वीडियो में दिखाने के लिए खाली बता दिया, ये भी हमने दो कानस ऐड किया हुआ है, ओके। और हाँ, अभी मैंने जो लास्ट टाइम जो आपको जो मैग्नेपुलर दिखाए थे, और ये जो मैग्नेट पुलर है इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, अच्छा। ये हैवी ड्यूटी मैग्नेट पुलर है जी। लास्ट टाइम जो दिखाया था मैंने ये वाला दिखाया था, अच्छा। ये भी बढ़िया है, हाँ। ये जो मार्केट में सबकी जगह पे यही मिलते हैं, ओके। और ये CNC वाला है, ठीक है, ये भी बढ़िया है, लेकिन अभी हमने कस्टमर की रिकॉर्डिंग, हमने कोई उससे अच्छा प्रोडक्ट हमने मार्केट में मंगाया है, ये देख ले, मैं आपको दिखा दूं। और ये सारे सब ब्लैक ब्लैक, हाँ जी जी, मैं आपको समझा देता हूँ जी। ये जो है ना, ये CNC किया हुआ है, ओनली CNC है, और इसके अंदर CNC प्लस हार्डनिंग किया हुआ है, ओके।
तो ये क्या कस्टमर को डबल बेनिफिट मिलेगा इसमें, सीएनसी तो है और उसके ऊपर प्लस हार्डनिंग किया हुआ है, तो इसका कभी ये आटा नहीं स्लिप मारेगा, गारंटी मैं देता हूँ। ये हैवी ड्यूटी मैग्नेट बोले रेवा कंपनी का, हम बहुत टाइम से बेच रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट कॉस्टली था इसीलिए मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था। पहले मीडियम रेंज का किट बनाया था, इसीलिए अभी मैं कस्टमर को कहना चाहता हूँ कि बहुत हैवी ड्यूटी क्वालिटी वाला सब प्रोडक्ट मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको मैग्नेट बुलर भी गिना देता हूँ, इसको साइड पे रख दो, ये तो मैं खाली एग्जांपल में दिखाया। अभी ये मैग्नेट बुलर हम स्टार्ट करते हैं, ये एक्टिवा का आ गया, ठीक है, एक ये हीरोंडा का आ गया, और एक ये बजाज का आ गया, ओके, और एक ये R15 का आ गया, और एक ये आ गया आपका FZ का आ गया, ठीक है, एक ये बुलेट का भी आ गया, बुलेट का भी मैंने स्पेशल ऐड किया इसके अंदर बुलेट, और ये भी रेवा कंपनी का हैवी ड्यूटी ऐड किया है मैंने, ठीक है, ये बुलेट का भी ऐड किया हुआ है, और एक ये वाला भी ऐड किया है मैंने, पल्सर का जो गाड़ी आता उसका एक ये भी ऐड किया है मैंने, और एक ये स्टार सिटी का भी मैंने मैग्नेट बुलर ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये जो रेवा कंपनी है वो जो रनिंग मैग्नेट बुलर बनाती है, जो रनिंग है ना वही बनाती है रेवा कंपनी, जो ऑकवर्ड जो गाड़ी का था उसमें नहीं बनाती, क्योंकि इसका बहुत बड़ा नाम है, फिर भी काफ़ी आ जाएंगे इसके साथ, बहुत सारा मैग्नेट बुलर है। और हाँ, ये एक ये भी ऐड किया हमने डिस्कवर 100 cc का, ये देख सकते हो प्लेट टाइप है, ये हमारे पास रेडी स्टॉक में मिल जाएगा, मार्केट में नहीं मिलता है डिस्कवर 100 cc का मैग्नेट बुलर। ठीक है, ये भी CNC वाला है, और एक ये भी ऐड किया मैंने 8-in-1, जो आधी गाड़ी में एक ही मैग्नेट बुलर लग जाएगा, सी डिलक्स, पैशन प्रो, एचीवर, यूनिकॉर्न, हांग, होंडा शाइन, सीबीज एक्सट्रीम, एक ही मैग्नेट बुलर 8 गाड़ी में लग जाएगा, और ये काफ़ी हैवी ड्यूटी, ये भी CNC से बना हुआ है, ये इसका ये हैंडल आएगा यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। और हाँ, मैं आपको एक बोल रहा हूँ, इसमें कौन से फेजर भाई? इसमें सर एक ये एक्टिवा है, एक हीरोंडा है, एक ये बजाज है, एक ये स्टार सिटी है, एक FZ है, एक R15 है, एक बुलेट है, एक 18-in-1 है, एक डिस्कवर 100 cc है, और एक पल्सर है। ठीक है, और मैं आपको एक ये दिखा दूँ, अभी आपको इसका प्रोडक्ट का क्वालिटी अभी अब पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट क्या है रेवा कंपनी का। अभी लास्ट टाइम मैंने हैंडल स्पिनर जो ऐड किया था वो देखो, ये जुगाड़ी आइटम है, ये जो भुंगड़ी पाना जो बोलते ना भुंगड़ी पाना, उसमें से खाली मार्केट में से खाली जुगाड़ करके इसका डिजाइन करके बनाया है इसको, क्या 2-4 बार खोला इसका पेल स्लिप हो जाता है, हो जाएगा। अभी ये जो रेवा कंपनी है ना, ये पेमेंट ले रहा पूरा, लेकिन क्वालिटी देता आपको, ये आप नजदीक लाके दिखा दो। ये सर जो हार्डनिंग जो बॉक्स पेनर रहता है ना, जो बॉक्स पाने का पेटी, ये पूरा सॉलिड है देखो, और ये इसका जो दूसरा भाग है स्पेनर है, ये आपको लाइफ टाइम गारंटी कभी कुछ नहीं होगा, गारंटी, ये पूरा हार्डनिंग की हुआ माल है, ये देख लो अरुण भाई, आप खुद ही देख लो, एक ये देखो और एक ये वाला देख लो, ये बहुत ही प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन हमने यही ऐड किया है प्रीमियम क्वालिटी में। अच्छा, और एक आपको एक लेटेस्ट चीज दिखाता हूँ मैं आपको, एक ये जो है ना, ये कौन कप कूलर बोलते हैं, ये मार्केट में अभी नया आया हुआ है, ये सबसे पहले हमारी शॉप पे आया हुआ है, ये एक्टिवा का कौन निकालते ना, कौन निकालने के लिए आता है, ये मैं इसका एक छोटा सा वीडियो का बता देता हूँ मैं आपको, ये यहाँ से नट खुल जाएगा, आप देख लो। अच्छा, मैं आपको पहले टेक्निकल समझा दूं, यहाँ से इसका ये नट निकल गया, ठीक है, ये आपका एक्टिवा के कप के ऊपर ऐसे टाइट हो जाएगा, जो यहाँ रहता है फ्रॉक के ऊपर ऐसे, और ये ऊपर से आएगा, ठीक है, या तो इसको ये नीचे से करेंगे ना तो भी चलेगा, ये नीचे से आएगा, इसको टाइट करोगे तो कौन बाहर आ जाएगा, वो कैसे कौन बाहर आएगा मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा वीडियो है, एक हमने कस्टमर को दिया था, उसने एक रिव्यू बना के भेजा हमारे को, इसको मैं थोड़ा सा भगा दूँ आपको, वो आपको पता चल जाए, यहाँ पे ऐसे लग गया, ये टी स्पिनर ऊपर डाल के पकड़ा है वो उनको, ये टी स्पिनर उसने ऊपर डाल दिया, और ऐसे अभी ये नीचे टाइट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये रेवा कंपनी का ही आप देख सकते हो, पूरा कौन बाहर आ जाएगा जी, अभी वो ऊपर से टाइट करेगा, मैं भगा देता हूँ थोड़ा वीडियो, ये टाइट किया, ये से फिक्स पाने से टाइट किया, या टी पाने से, XYZ आप किसी से भी टाइट कर सकते हो, ये टाइट किया, ये अभी अभी यहाँ से अभी कौन बाहर आ जाएगा, ये देखो कौन ये रश में आ गया, ये जो रिंग है ना उसको कौन वो पूरा बाहर आ गया, देख लो आप, अभी जिसके पास ये नहीं होगा वो कैसे निकालेगा सर, वो लोग है ना हथौड़ी मारते हैं, हथौड़ी मारते हैं, वो कस्टमर को तो पता नहीं रहता, उसका हथौड़ी मारते बेचारे का फ्रॉक खराब कर देते हैं, और उनको क्या रहता है कि उनको नुकसान होता है गैरेज वालों को, तो दूसरी मरतबा कस्टमर नहीं आएगा, और ये फिर उनको भी बार बार लेत वाले पास जाना पड़ता है कि फ्रॉक आउट हो गया, उसको सीधा कर दो, कर दो,
तो इसीलिए ये इसमें कुछ फटोड़ी फटोड़ वाला काम नहीं है, इसके अंदर पूरा प्रोफेशनल काम होगा। ठीक है, और अभी मैं आपको दिखा दूं, मैग्नेपुलर हो गया आपने देख लिया, सी एन सी वाला मैंने ऐड किया था। इस बार जो ऐड किया वो सी एन सी प्लस हार्डनिंग है, रेवा कंपनी का सब हैवी ड्यूटी। इसका हमने हमारे पास डीलरशिप है और ये आपको सब बेस्ट रेट में मिलेगा हमारे पास। हाँ, अगर आपको थोड़ा भी प्रोडक्ट मंगाना है इसमें तो आप मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार का हम यहाँ से माल बेच सकते हैं आपके लिए। ठीक है, ये देखो उसमें अंदर मैंने जो कलर नेट इसमें जो ऐड किया है ये पल्सर का है, ये पल्सर का मैंने एकदम स्पेशल ऐड किया, और जो पतली जगह में भी जाके यूज़ हो जाएगा, जो जिसमें जगह नहीं रहती है ना वहाँ पे भी इतनी पतली जगह में जाके यूज़ हो जाएगा। ये पल्सर का हर गाड़ी में लग जाएगा, पल्सर NX, NX 220, पल्सर 180, पल्सर 150, पल्सर का जितना भी गाड़ी सब एक ही कलर में बनाना पड़ा, पूरा कवर कर लेगा। अभी इसी तरह एक दूसरा कलर में बनाना है, ये हीरो होंडा का, और ये सब डबल साइड है आप देख सकते हो। हाँ, और ये हार्डनिंग किया हुआ है, ब्लैक मेटल यानी कि बहुत हैवी ड्यूटी आता है, बहुत हैवी ड्यूटी, सही है। देखो ये हीरोंडा का ऐड किया है, ओके देख लो आप, और ये सुपर स्प्लेंडर का ऐड किया है मैंने, स्प्लेंडर सुपर, देखो आप देख सकते हो। ठीक है, और एक ये मैंने सुपर स्प्लेंडर का ऐड किया हुआ है, और एक ये स्टार सिटी का ऐड किया हुआ है, स्टार सिटी, और ये सुपर स्प्लेंडर। ओके, चार कैलेंडर पाने किट में हमने ऐड किया है, सब हैवी ड्यूटी ऐड किए हुए है। ठीक है, और ये अभी आपको जो छोटा छोटा आइटम दिख रहा है ना, इसमें टेपेक्टी भी मैंने 3 ऐड किया है, पहले वीडियो में ओनली फॉर एक ही ऐड किया था, इस बार मैंने 3 टेपेक्टी ऐड किया है। ये भी रेवा कंपनी का ही है? जी, ये सब रेवा कंपनी का है। इसमें 70-80% हमने रेवा कंपनी का सब आइटम यूज़ किया है। अच्छा, ये देख सकते हो आप टेपेक्टी, इसका कभी ये पेल नहीं स्लिप मारेगा, मार्केट में जो मिलता है 40-50 रुपए वाला उसका पेल स्लिप मार जाता है, ये 150 का ओनली टेपेक्टी आता है, ये कभी स्लिप नहीं मारेगा, गारंटी। और इसी तरह अगर किसी को ऐसे काम करने में मजा आता है किसी को, तो उसके लिए हमने इसका भी ध्यान रखा हुआ, उसको ये भी दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला भी दिया। और हाँ, ये जो है ना इमरान भाई और हारून भाई, ये नया लेटेस्ट आया हुआ है, ये जो NX गाड़ी का जो बोल रहे अभी मार्केट में बहुत चल रहा है उसका जो, हाँ जी, उसका देखो पेल अलग है और इसका पेल अलग है, आप देख सकते हो इसमें चौरस है और इसमें लंब चौरस है। ठीक है, ये हमने 3 टेपेक्टी ऐड की हुई है। ओके और एक ये प्रोडक्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, ये सोकर सील पुलर बोलते हैं इसको, ये 5 पीस का सेट आएगा, ये 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, ये लगा हुआ है अभी इसमें। हाँ, अभी ये जो काम में आएगा जो सोकर सील जो ठोक के बिठा था ना ऑयल सील, हाँ, वो उसके यहाँ पे ये आपने रख दिया, अभी स्प्लेंडर आया उसके यहाँ पे रखा, उसको ठोक के बिठा दिया, कम्प्लीट हो गया, पल्सर आ गया, दूसरा मॉडल लगाया उसको लगाया ठोक दिया, सोकर सील बैठ के भी रहा, ये 5 पीस का पूरा सीट आएगा, ये सब सब गाड़ी का आ गया, कोई गाड़ी का लेना नहीं पड़ा, एक ही सेट में सब आ गया हुआ है। आप खाली यहाँ से एलिंग से खोलो, यहाँ पे बिठाओ और आपका सब गाड़ी का। अभी इमरान भाई, ये इसमें मैंने क्लच होल्डर ऐड किया हुआ है, जो क्लच को लॉक करता है, क्लच होल्डर बोलते हैं, इसके अंदर 4 पिन बोलते हैं, ये हीरोंडा का है। ओके, इसी तरह मैंने एक कावासाकी का भी ऐड किया हुआ है, 6 पिन, बजाज की जो गाड़ी आती है वो भी ऐड किया हुआ है, और इसी तरह इसमें मैंने पल्सर का भी ऐड किया हुआ है, इसमें 4 पिन है और ये 6 पिन है पल्सर की गाड़ी का। ओके, ठीक है, इसमें 5 पिन भी आता है और इसमें 3 पिन भी आता है इसमें, वो अभी हमारे पास मिसिंग है, लेकिन वो एक्स्ट्रा चार्ज देके हम ऐड कर सकते हैं, बराबर, बाद में मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने किया, देखो ये 4 ये ऐड किया, और हाँ, इसको बोलते हैं वेरिएटर होल्डर एक्टिवा का, ये अभी 3G मॉडल वाला है, इसमें 125 वाला, 5G वाला वो अभी नहीं है, वो भी आपको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज देना रहेगा, वो कल या परसों माल आ जाएगा। ठीक है, वो एक्स्ट्रा चार्ज, वो किट में एनविल नहीं है, मैं आपको बता देता, अभी जो दिखा रहा हूँ वही किट में एनविल आएगा। ओके ओके, हाँ, और ये मैंने, हाँ, इसमें एक स्पेशल आइटम ऐड किया हुआ है, ये जो चेन का जो काटना, चेन को निकालते ना वो लोग काट के निकालते, इसके अंदर आप चेन यहाँ पे लॉक हो जाएगा, आप यहाँ से टाइट करोगे ना तो ये चेन यहाँ से आपका बाहर आ जाएगा। ओके, इसमें चेन पुलर भी ऐड किया हुआ है, निकल जाएगा, हाँ, जी निकल जाएगा। जी, ये भी मैंने ऐड किया, अभी हैवी ड्यूटी ऐड किया, आप देख सकते हो। ओके, हाँ, ओके, और ये इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल मैग्नेट होल्डर, ये हर गाड़ी का मैग्नेट को लॉक करता है। ओके, ये यूनिवर्सल तो ऐड किया है मैंने, ठीक है, और जो रनिंग जो आता है वो भी ऐड किया हुआ है, ये भी हैवी ड्यूटी क्वालिटी में। ये वाइड सबसे रनिंग गैरेज वालों को यूज होने वाला, लास्ट टाइम मैंने ऐड किया था लेकिन सब लोकल क्वालिटी का जो था वो ऐड किया था, वो भी चलता है, लेकिन ये हैवी ऐड किया हुआ है, देख सकते हो आप, बहुत ही हैवी ड्यूटी है। फैजल भाई, ये जो आपने पूरी जो किट हमको बताई है, ये आपने इतनी हैवी क्या हिसाब से, आपको कोई कस्टमर ने बोला है? सर, हैवी में मैंने इसीलिए बनाई हुई है क्योंकि 2-4 कस्टमर आए थे हमारे पास, जो बाहर से आए थे, उन्होंने बोला फैजल भाई कि हमको पेमेंट से कोई इश्यू नहीं है जी,
आप एक वीडियो ऐसा भी बना दो कि ताकि हमारे को पूरा ही सामान मिले, क्योंकि गैरेज का सामान हमको एक ही बार लेना है, एक ही बार लेना है, बार बार तो नहीं लेना है। तो आप पेमेंट ज्यादा होगा दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्वालिटी एक नंबर बताओ, एक नंबर क्वालिटी है, सही है। जो पहले जो वीडियो में दिखा था अभी एक नंबर क्वालिटी है, लेकिन उससे जो बेटर है ये क्वालिटी है कस्टमर के लिए, एकदम प्रीमियम, जो प्रीमियम को जिसको काम करना है, अच्छा काम करना है उसके लिए, और जिसको पेमेंट का इश्यू नहीं उसके लिए पूरा हैवी किट बनाया हुआ है मैंने। और ऐसा बहुत कस्टमर आए हमारे पास हैवी किट ही लेके गए, हमारे पास लाइट से ज्यादा हैवी किट लेके गए, इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का रीजन ये है भाई। अभी कैसा है कि जो सालों से किसी के यहाँ जॉब कर रहा है और उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है या 10 साल का एक्सपीरियंस है, और जब वो खुद की गैरेज खोल रहा है, खुद का शॉप खोल रहा है, खुद का बिजनेस कर रहा है, तो उसको एक एनर्जी रहता है कि मैं सारा सामान अच्छा यूज करूंगा। तो ये सारा सामान प्रीमियम क्वालिटी का आपको मिल जाएगा, तो ठीक है। चलिए अभी एक ये वाल पुलर भी ऐड किया हुआ मैंने, देख सकते हो ये भी रेवा कंपनी का है, ये काफी हैवी ड्यूटी है, ये भी सब हार्डनिंग किया हुआ माल है, देख सकते हो आप, ये भी रेवा कंपनी का हैवी ड्यूटी है, आटे बहुत बढ़िया है, ठीक है। और इसी तरह मैंने ये किया भी ऐड किया हुआ है, ये पल्सर का गरारी सेट ऐड किया हुआ है, पल्सर का टाइमिंग गरारी सेट, ओके। ये 3 पीस का पल्सर का जो टाइमिंग सेट करते हैं ना उसी लिए, ये भी 3 पीस का मैंने सेट किया हुआ हैवी ड्यूटी, ठीक है, ओके। और हाँ, मैं आपको और एक बात कहता हूँ, इनके आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि ये लोग अभी भी 20 किलोमीटर दूर से आए हमारी शॉप पे स्पेशल वीडियो बनाने। आप देख सकते हो शटल भी बंद हो चुका है, लेकिन आप लोग के लिए लोग मेहनत करने आए, अच्छा, तो इनके वीडियो को आप, ये दो भाई जो मेहनत कर रहे हैं, ये कौन है जी? ये भाई एक नदीम भाई है हमारे, और एक सोहेल भाई है जी। ये हमारे भाई है, जो पेमेंट जो आया उसके बाद जो पार्सल कैसे पैक करना, वो सब पार्सल के जो पैकिंग करने का काम ये लोग का रहता है, ठीक है। ये कस्टमर भी हैंडलिंग करते हैं यहाँ पे, रिटेल में मेरा साथ बैठाते हैं लोग, ठीक है। पूरी फैमिली मेंबर जी, फैमिलियर पूरी शॉप है हमारी, तो आपको भी ऐसा ही, एक बार आपको पहली बार आप ट्रस्ट कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। और हम अभी धीरे धीरे चैनल पे शॉर्ट डालने वाले हैं, जो कस्टमर के रिव्यूज के शॉर्ट डालेंगे, जो हमारे पास 10-10 साल से इस शॉप से परचेस कर रहे हैं, तो उससे क्या है आपको और भी ट्रस्ट बैठेगा हमारी शॉप के ऊपर, ठीक है। ठीक है, हमने पूरी किट तो देख ली है, अब इसको अगर हमें मंगवाना हो तो कैसे मंगवाएंगे और पेमेंट का हम कैसे करेंगे, वो हम थोड़ा फैजल भाई से देख समझ लेते हैं। पेमेंट में आपको मैं बताया था कि हमारा 20 साल से शॉप है जी, और हमारा बहुत ट्रस्टेबल नाम है, आप मार्केट में किसी को भी पूछ सकते हैं, किंग टूल्स जी। आप पेमेंट में ऐसा रहेगा सर, आप पहले पेमेंट भेजोगे गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, उसमें आपको हमारे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपका 1 रुपया भी कहीं नहीं जाएगा। अगर आप 50 रुपये भी माल मंगाओगे तो आपका 50 रुपया भी कहीं नहीं जाएगा, और 50 लाख का भी माल मंगाओगे तो भी आपका 50 लाख कहीं नहीं जाएगा। पहले पेमेंट आएगा, उसके बाद हम यहाँ से माल भेज देते हैं, और आपको हमारे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो इतना बड़ा हम शॉप लेके बैठे, आप खुद रूबरू आ जाओ। मैं तो सबसे ज़्यादा बिलीव करता कि आप रूबरू आओगे और आप खुद क्वालिटी देख के लेके जाओ। लेकिन कितने कस्टमर का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि हम फैजल भाई हम इतनी दूर नहीं आ सकते, तो आप हमारे पर ट्रस्ट करो, हम आपका 1 रुपया कोई फोर्ड वाला काम नहीं करेंगे, हम आपका जो भी करेंगे सब एकदम जेन्युइन, जो चीज़ दिखाए वो चीज़ देख के दिखा के देंगे। हाँ, इतना सारा प्रोडक्ट है उसमें तो कोई आइटम मिसिंग भी होगा तो हम आपको पहले इन्फॉर्म करेंगे, भाई आपका ये आइटम मिसिंग है, उसकी जगह पे हम ये आइटम ऐड कर रहे हैं, हम पूरा लीगल काम करेंगे, उसमें कोई धोखा धड़ाकी वाला कोई काम नहीं करेंगे, आपको हमारे पर ट्रस्ट करना रहेगा, ओके। ठीक है भाई, रहते ओके। और ये क्या है, ये इसको 62-1 और 62-02, ये बेयरिंग पुलर है, फैन का जो बेयरिंग निकालते हैं, ओके। तो इसके हमने एक किससे कितने लोग हैं ना, एक्टिवा का फाड़ का जो बेयरिंग निकालते हैं, ये एक मैंने ये लाइट वाला भी ऐड किया हुआ जो पहले किट में दिखाया। और हाँ, अभी जो ये जो किट ले रहा है उसको बेनिफिट ये है कि इसके अंदर मैंने हैवी वाला ऐड किया हुआ है, देख सकते हो आप, ये बहुत ही हैवी ड्यूटी है। इसमें 2 पीस का सेट है, ये आप देख पा रहे हो, ये यहाँ से आप ये यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे अंदर जाएगा आपका फाड़के में, ये खुल जाएगा यहाँ से, देखो खुल गया यहाँ से, ठीक है। ये फाड़के में लॉक हुआ, आप ऐसे फटका मारो बेयरिंग बार में, आपको और एक बार दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप, ये 2 पीस का सेट आएगा, ये यहाँ से आप टाइट करोगे खुल जाएगा, ये खुल गया देखो यहाँ से, ये बेयरिंग में लॉक हो गया, यहाँ से आप ऐसे फटका मारो आपका बेयरिंग निकल जाएगा फाड़के में से निकालने के लिए। ये देख लो आप, बारून भाई आप खुद ही देख लो, ये 6 किलो का है, ये ये गोला हैवी ड्यूटी है, सॉलिड आइटम, सॉलिड है पूरा, और ये एक ही दोनों में लग जाएगा, ये अलग अलग नहीं है, ये खोल के आप इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऐड किया आपने, ये ऐड किया, ये हमने हैवी ड्यूटी ऐड किया हुआ है, देख लो ये दोनों ऐड किया हुआ है, ठीक है, बढ़िया। हाँ, एक ये एवरेज बोतल भी ऐड किया हुआ है, जो नई गाड़ी या गाड़ी का कितना एवरेज मापने के लिए आता है, एवरेज बोतल भी ऐड किया हुआ है, ठीक है, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा है। अच्छा, एक ये प्लग स्पिनर ऐड किया हुआ एक्टिवा का, ठीक है,
ये प्लग स्पिनर भी देखो आप। अच्छा इसको फिक्स स्पिनर बोलते हैं, जो स्टेयरिंग का जो नट खोलते हैं ना, ये हैवी ड्यूटी आता है वाला। ये कुछ 41 या 40 के आसपास का इसका साइज देता है और फिक्स स्पिनर 32 तक आता है, तो इसलिए एक अलग से एड किया हुआ हमने ये भी, ठीक है। इसके बाद हथौड़ा मार के खोल सकते हो उसे, ठीक है। अच्छा और एक ये जो है ना, ये क्लच नट स्पिनर है एक्टिवा का, एक्टिवा का, ये भी रेवा कंपनी का हमने ऐड किया हुआ हैवी ड्यूटी। उसका पेल देख सकते हो आप, यहाँ पे कभी स्लिप नहीं मारेगा, हार्डनिंग किया हुआ है। एक्टिवा का जो क्लच कटोरा जो खोलते हैं ना, उसका ये नट खोलने के लिए आया था, ठीक है। ये भी हमने ऐड किया हुआ है। एक ये मिनी स्टड पुलर ऐड किया हुआ है, जो स्टड को लॉक करते हैं, यहाँ से जो बोल्ट नहीं खुलता जिसका आटा स्लिप हो गया, ये यहाँ से लॉक करेगा। आप यहाँ पे बॉक्स मारना लगाओ, एक ये भी ऐड किया हुआ है। हाँ ये देख लो, मैंने इसमें 5 डिसमिस बोलते ना वो ऐड किया हुआ है। एक ये छोटी साइज का ऐड किया हुआ है, ठीक है, देख सकते हो आप, ये माइनस प्लस आएगा। तो ये भी सब तापड़िया ओरिजिनल कंपनी के ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह इसमें एक जो एवरेज सेटिंग करने के लिए आता है, जो एक्टिवा के अंदर आपको पूरा बोनट नहीं खुलना पड़े, आप डायरेक्ट ऐसे एवरेज सेट कर सकते हो, लंबे वाला, पतले वाला, एक ये भी ऐड किया हुआ है। और एक ये अभी नया मॉडल आया हुआ तापड़िया में, ये हमने हैवी ड्यूटी ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हो ब्राउन कलर वाला है ये हैवी ड्यूटी, ये माइनस प्लस, ठीक है, ये भी हमने ऐड किया हुआ है माइनस प्लस बड़े वाला। हाँ ये मैग्नेटिक है, ये मैग्नेट आएगा इसमें नॉर्मल, देख सकते हो आप, ये नॉर्मल मैग्नेट आएगा जी, ठीक है। और एक इसमें जो जो इसमें छोटी साइज ऐड किया हुआ हैवी ड्यूटी में तापड़िया में, रनिंग वाला भी पीछे ऐड नहीं किया मैंने, हैवी वाला ऐड किया है, ठीक है। और एक हैमर वाला जिसमें आप पीछे हथौड़ी मार सकते हो यहाँ पे, ये एक वो भी ऐड किया हुआ है मैंने, देख सकते हो आप, ये थोड़ा जाड़ा वाला है, ठीक है, जिसको साइलेंसर का स्प्रिंग स्प्रिंग छटकाना रहता है उसके लिए, देख सकते हो आप, ठीक है। ये तापड़िया पूरा ब्रांडेड आइटम है, ओके। ये 5 में ये ऐड किया हुआ है। और हाँ ये नायलन हैमर भी ऐड किया हुआ मैंने, फाइबर के हैंडल वाला, जिसको मैग्नेट ठोक के बिठाना ना, अभी वहाँ पे ये मारेगा तो मैग्नेट खराब हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक फाइबर वाला भी ऐड किया हुआ अरुण भाई, ठीक है, एक ऐड किया हुआ जी। और एक दो एलबी का गन ऐड किया हुआ है, वो हैमर वो तो कॉमन ही है, वो भी ऐड किया हुआ है मैंने, ठीक है, दो एलबी का गन। अच्छा और एक ये इम्पैक्ट ड्राइवर भी ऐड किया हुआ है, मैं आपको ये भी दिखा दूँ, इसको देख सकते हो आप। ये ड्राइवर का हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी डालने वाले, अभी आप देख लीजिए, ये इम्पैक्ट ड्राइवर एकदम कसे हुए जो बोल्ट होंगे बीट के साथ आपको कंप्लीट मिलेगा जी। इसमें ये भी स्पेन कंपनी का, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 बीट आएगा। और हाँ इसके अंदर आप इस ये भी लगा सकते हो, ये स्क्रू ड्राइवर हो गया है, बराबर, ये जो स्क्रू नहीं खुल रहा आप यहाँ पे लगा के ऐसे ठोक दो तो जम टॉर्क पैदा करके वो स्क्रू खोल देगा। और यहाँ पे एक हमने इसके अंदर एक बॉक्स पाना भी आप लगा सकते हो, जो बॉक्स पाने का जो पेटी है वो यहाँ पे लग जाएगा, और जो बॉक्स नहीं खुल रहा उसको आप ऐसे जोर से फटका मारोगे तो खुल जाएगा, जो टाइट है वो खुल जाएगा, जिसको टाइट करना है वो आप रिवर्स करके, यहाँ से रिवर्स वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप टाइट भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया। ये इम्पैक्ट ड्राइवर, ठीक है, ये भी हमने ऐड किया हुआ है, देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक ये लास्ट में ऑयल कैन भी हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है, ये हमारा लास्ट पीस है। और हाँ ठीक है, ये हमने सब ऐड किया हुआ है, आप देख लो। और आज के वीडियो के लिए कुछ खास आप कह रहे थे कि ये पूरी किट के ऊपर अगर कोई व्यूअर्स पूरी किट मंगाएंगे तो आप कुछ खास देने वाले, तो क्या है जी? वो मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को खाली एक टूल बॉक्स सब को दिया था गिफ्ट में, इस बार मैंने 4 से 5 आइटम गिफ्ट दिया हुआ है, ताकि कस्टमर को हेवी किट ले तो उसको और भी बेनिफिट मिले जो पूरा किट है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक तो ये सबसे पहले ये सॉकेट सेट मैंने ऐड किया हुआ है, आप देख लो, एक तो सबसे पहला आइटम ये ऐड किया हुआ है सॉकेट सेट। हाँ भाई, ये किट के साथ आपको कंप्लीट फ्री आएगा, ये फ्री में आएगा, गिफ्ट में, गिफ्ट है ये, हम किंग टूल्स की, जो पूरा किट लेगा उसके लिए हमारे किंग टूल्स की तरफ से है जी, ठीक है। और ये स्पेशल हमारे व्यूअर्स लोग के लिए है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि इसका कुछ हमने उसमें जोड़ दिया है, नहीं, वो पूरा एकदम मार्केट के अंदर रिजनेबल भाव से हमने उसको पूरा आपको बनाया हुआ है, और ये उसके साथ हमने हमारी तरफ से इसको आपको गिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। एक ये ऐड किया हुआ है हमने गिफ्ट किया। और हाँ अभी आप ये देख पा रहे होंगे, ये मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा, ये सबसे रनिंग आइटम है, ये जो है ना, ये कॉर्न सेटिंग पुलर है, जो मल्टीपर्पज कॉर्न बिठाने के लिए आता है, हर गाड़ी का आ गया, हीरोंडा, सुपर स्प्लेंडर, एक्टिवा, सब गाड़ी का कॉर्न बिठाने के लिए आता है ये कॉर्न पुलर है। इसको मैं एक बार खोल के ही दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा, ये देख लो आप यहाँ पे, ये सब इसका यहाँ पे टेसी बना हुआ है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो भी गाड़ी का आएगा आप यहाँ खाली चेंज किया, ये आपने टाइट किया तो आपका कौन बेड़ी आएगा, ये कौन सेटिंग पुलर है,
ये पूरा पैक है, इसीलिए मैं दिखा नहीं सकता, फिर भी मैं आपको कोशिश किया। देख लो आप, यहाँ पे अड्डा बना हुआ है, यहाँ से ऐसे टाइट होगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये कौन सेटिंग बोला, ये भी गिफ्ट, और ये देख सकते हो अरुण भाई, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं गिफ्ट देता हूँ तो कोई लोकल चीज ऐड किया, आप देख सकते हो कितना है। ये भी हार्डनर वाला है, ये कंप्लीट ब्लैक मटेरियल में, सीआरबी मटेरियल में, और ये भी हैवी ड्यूटी मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। और हाँ, और एक ये मैग्नेट पुलर, ये भी मैंने ऐड किया हुआ है। ये NX पल्सर का जो अभी जो नया गाड़ी आया हुआ है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट में रहेगा आपको, NX 220 वाला मैग्नेट पुलर। ये मार्केट में अभी कहीं नहीं मिलता है, वो मैंने गिफ्ट किया हुआ है कस्टमर को, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे हम। और एक टूल बॉक्स भी दे रहा हूँ मैं आपको गिफ्ट में, ये वाला जी, ओके। ये टूल बॉक्स सामान, ये टूल बॉक्स मैं आपको दिखा दूँ, जो लास्ट टाइम जो वीडियो में ओनली टूल बॉक्स गिफ्ट किया था, इस बार मैं आपको देखो टूल बॉक्स भी एक गिफ्ट कर रहा हूँ। ये जो पूरा किट मंगाया उसी लिए रहेगा, अगर कोई बोलेगा इसमें से मेरे को इसका माइनस कर दो, तो उसमें किट का ऑफर निकल जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही कम मार्जिन में पूरा किट बनाया हुआ है जी। ताकि कस्टमर फायदा ले सके, हमने कस्टमर का देखते हुए पूरा बनाया हुआ है, ये सब गिफ्ट रखा हुआ है, ठीक है। और एक आइटम, और एक आइटम मैं दिखा दूं आपको, ये तो वायर कटर है, ये भी छोटा सा गिफ्ट दिया हुआ मैंने, वायर कटर, ये भी तापरिया कंपनी का वायर काटने के लिए, ठीक है, ये भी हमने गिफ्ट दिया। और एक गिफ्ट है, ये क्या है, पिकअप टूल। अभी आप देख सकते हो ये पिकअप टूल कितना हैवी है, इसके मैं बड़ा आपको बॉक्स बना करके दिखाता हूँ, ये 14 नंबर का देख लो। और एक हाँ जी, पिकअप टूल जैसे अभी गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर और जो टंकी के अंदर बॉल गिर जाता है, वहाँ पे बेचारे लोग को पूरा टंकी खोलना पड़ता है, सही है। अभी ये पिकअप टूल का इसका कैपेसिटी देख सकते हो आप, ये जो आता है ना, ये 550 का ओनली पिकअप टूल हैवी वाला है, गंभीर ऐसे भी, हाँ जिसको भी आप ऐसे फोल्डिंग कर दो, कैसे भी कर लो। अभी यहाँ पे आपका बॉल गिर गया है, अभी कोई अंदर जगह में, वहाँ पे उचक के मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसका कैपेसिटी देख सकते हो। ओहो, ये तो 32 नंबर का बॉक्स है, हाँ आप इसमें अगर 50 नंबर का हो तो भी उचक देगा, इसका 1 kg का कैपेसिटी उचकने का। मैंने कोई भी चीज लोकल ऐड नहीं किया इसके अंदर, सही है, सही है, ठीक है। और ये गिफ्ट में देना तो फिर अच्छा ही देना, अच्छा ना ही देना है, सही है, सही है, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार, गिफ्ट देख लीजिए आप, एक ये 1/4 का पेटी गिफ्ट किया हुआ है, एक ये पिकअप टूल है, एक NX का मैग्नेट पुलर दिया हुआ है, एक ये कॉन सेटिंग पुलर हैवी ड्यूटी गिफ्ट में किया हुआ है, और एक ये टूल बॉक्स जिफ्ट में किया हुआ है, और एक वायर कटर। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम हमने हमारी तरफ से गिफ्ट किया हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो पूरा किट हमने आपको बता दिया है, तो सबसे ये महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये किट पूरा कस्टमर को कितने रुपए में पड़ेगा, और फैजल भाई ने अभी तक कितना किट अभी तक हैप्पी कस्टमर फैजल भाई से, किंग टूल से जुड़े हुए, वो हम फैजल भाई से सुनेंगे। ऐसे तो मैंने अरुण भाई बहुत सारी किट भेज दी है, तकरीबन मैं आपको बता दूं तो मैंने 300 से 400 प्लस किट बना के भेज दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से सब हमारा माल गया, लद्दाख गया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश गया हुआ है, नेपाल तक हमने माल भेजा हुआ है, और VR से जो हमारे जो सर्विस है वहाँ से हमारा ऑल ओवर इंडिया में हम माल पहुँचा सकते हैं, और हमने राजस्थान बीकानेर एरिया है वहाँ पे दिया हुआ है। मेरे बहुत सारे हैप्पी कस्टमर है, मैं नाम नहीं ले सकता, नंदुरबाद है, डोंडाइचा है, जो छोटा मोटा जो शहर रहता है जहाँ पे टूल्स नहीं मिलता, नहीं बड़ी सिटी में मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता। लेकिन हाँ, बड़ी सिटी में भी आपको एक ही जगह पे पूरा रेंज नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वहाँ पे एक पकड़ प्लायर यहाँ पे मिलेगा तो पेचिया वहाँ पे लेने जाना पड़ेगा, दूसरी जगह लेने जाना। मेरी दुकान का एक रूल से आप एक बार आओ मेरी दुकान का विजिट करो, आप एक चीज लेना होगी आपको 10 चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ, इतना सारा मेरे पास माल रेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है, मैं किसी उसी से लाके नहीं, मेरे पास खुद के पास माल रेडी में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप पूरा मैं आपको और भी कह सकता हूँ कि हमारा ऑल ओवर इंडिया में यहाँ से माल गया हुआ है। और तो आप, इसका प्राइस कितना पड़ेगा जी? मैंने इसका प्राइस रखा ओनली 35,000, यानी 35,000 रुपया रखा हुआ मैंने, विद डिलीवरी चार्ज के साथ मैंने रखा हुआ है। अगर किसी का यूपी बिहार है तो भी उसके अंदर हम लोग 1,500 या 2,000 एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपका दूर हुआ और जोन 4 में, जैसे आपका बहुत ही दूर 1500 किलोमीटर के ऊपर हुआ, 1000 किलोमीटर के ऊपर हुआ, तो शायद आपको कुछ एक्स्ट्रा पे, फिर आपको 1000 या 1500 रुपया डिलीवरी चार्ज जो नॉर्मली होगा वो हम आपसे लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें मार्जिन बहुत ही कम रखा हुआ है, और प्लस इस बार मैंने कस्टमर को हैप्पी करने के लिए गिफ्ट भी बहुत ज्यादा दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा ले सकता हूँ जो ज्यादा दूर होगा उसके लिए, ठीक है। इसका मैंने कीमत रखा है 35,000 रुपया। और एक बता देता हूँ, और एक बार बोल देता हूँ, और हाँ इसमें कोई COD वाला ऑप्शन नहीं है, और एक बार बता देता हूँ, आप देख सकते हो इतना बड़ा हमारा शॉप है, 20 साल से शॉप है, और यहाँ पे आप पहले पेमेंट करोगे, हमारे पास पेमेंट की सारी सुविधा है, और अगर आपका GST नंबर है तो सब हमारा बल आप बिल में आएगा आपको, ठीक है। ये सब आपको GST पेड वाला रेट दिया हुआ है, ठीक है, आपको सब पक्के बिल में माल मिलेगा, और हमारा पूरा पक्के बिल में काम होता है, ओके। तो धन्यवाद।
सभी व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि हमारा जो यहाँ पे शॉप है, यहाँ से हमारा 20 साल से शॉप है, और हाँ पेमेंट कंडीशन में हमारा कोई सीओडी वाला काम नहीं है। हमारा गूगल पे नंबर है, पेटीएम नंबर है, आप उसके ऊपर गूगल पे कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो, बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। हाँ पहले पेमेंट आएगा, उसके बाद हम यहाँ से ऑल इंडिया में माल भेजते हैं, और हमारा 20 साल से शॉप है। आप किसी को भी नाम पूछ सकते हैं, हमारा किंग टूल्स का नाम ही काफ़ी है। और दूसरी बात कि हमने कितनी पार्टी को माल भेजा है, ये सबका पेमेंट आया हुआ पूरा 1000 पार्टी का माल होगा, यहाँ पर रशीद सबका पड़ा हुआ है। ये सब इंडियन पोस्ट, वीआरएल, अंजलि कुरियर और डीटीडीसी, सब कुरियर से हमारा ऑल ओवर इंडिया में माल जाता है ट्रांसपोर्ट द्वारा। आपका जहाँ पे भी होगा, कोई भी जगह पे होगा, यहाँ से हम आपका वहाँ तक माल पहुँचाने की पूरी जवाबदारी लेते हैं। लेकिन सर इतना है कि आपको पहले पेमेंट करना रहेगा, उसके बाद हम यहाँ से माल भेजेंगे। ओके के भाई, अभी एक पार्टी का पेमेंट आया हुआ है, तो मैं आपको वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको ताकि पता चल जाए कि मेरे किट में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, ये वीडियो देख लो आप। ये आपको लोक पकड़ आ गया, काना से आ गया, वाटर पंप प्लायर आ गया, फिर आपका नोस प्लायर आ गया, फिर ऑयल सील पुलर बिठाने वाला आ गया, AKM 9 आ गया, एलिंग की सेट आ गया, 4 पिन 6 पिन आ गया, फिर आपका क्लच होल्डर आ गया है, आपका वेरिएटर होल्डर आ गया, वाल पुलर आ गया है, फिर यूनिवर्सल मैग्नेट होल्डर आ गया, इम्पैक्ट ड्राइवर आ गया, और हाँ स्पेशल 1/4 का पेटी भी ऐड किया हुआ है मैंने, और एक ये 1/2 का बॉक्स पाने का पेटी भी आ गया है, और एक ये सेंटर पंच कानस, और ये चीजल भी आ गया है, प्लायर आ गया है, ग्रिप प्लायर आ गया है, एक ये स्टार एलिंग सेट आ गया है, और आप देख सकते हो वहाँ पे पल्सर का गरारी सेट टाइमिंग सेट आ चुका है, और इसके अंदर टेपेक टी आ चुका है, और ये इसके अंदर एक जंपर से लिया आ चुका है, 18-1 मैग्नेट पुलर आ चुका है, और एक ये इनर साइड का जो बेयरिंग निकालते हैं वो आ चुका है, और इसके अंदर एक एवरेज बोटल आ चुका है, एक वाइट एग आ चुका है, ब्लैक स्टेयरिंग पाना आ चुका है, और मैग्नेट पुलर देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर, देख लो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, डिस्कवर OCC आ चुका है, R15 FZ, बजाज, कावासाकी, और इसके अंदर एक्टिवा, सारी गाड़ी का मैग्नेट पुलर आ चुका है। अच्छा, और क्लच नट पाने पे भी एक नज़र मार लेते हम, इसमें हीरोंडा सुपर स्प्लेंडर है, फिर CVZ, डिस्कवर, पल्सर 220 सब आ चुका है, 2 LB का गन आ गया, हैमर आ गया है, नायलॉन हैमर आ गया, वायर कटर आ गया है, चेन कटर आ गया, फैन का बेयरिंग निकालने वाला पुलर आ गया है, और कौन सेटिंग पुलर आ गया है, सबसे मेन चीज टी स्पिनर देख सकते हो आप, टी स्पिनर आ गया है, और वो कौन का पुलर भी बहुत ही डिमांड में हमारे पास, हाँ ये भी हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, और तीन कलर, तीन टेपेक्टी दिख रही है आपको, टेपेक्टी वो भी 1, 2, 3 NX वाला भी ऐड किया हुआ मैंने, और हाँ इसमें रिंग स्पिनर आ गया, देख सकते हो आप, इलेप्टिकल टाटा कंपनी का हैवी ड्यूटी। ठीक है, और फिक्स स्पिनर देख सकते हो आप, और वो हैंडल स्पिनर हैवी ड्यूटी 2 पीस का सेट आएगा। ओके, और इसके अंदर आप देख लो पेचिया भी आ गया, ये पूरा किट देखो मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ। ओके, ये पूरा किट हमने बनाया कि ताकि आपको पता चल जाए, और ये देखो हसन भाई पे खड़े वहाँ पे, हसन भाई बैठे। ओके, अच्छा, तो ये मेरा छोटे भाई हसन भाई है जी। जो पार्टी का पेमेंट मंगाना, पार्टी को माल कैसे भेजाना, उससे कैसे जवाब देना, वो सब कॉलिंग जो आते हैं वो हसन भाई के नंबर पे आते हैं। मैं मेरा नंबर नहीं डालता हूँ क्योंकि मेरे को रिटेल काउंटर भी संभालना रहता है। सही है, अगर मेरे पर फोन आएंगे, मैं कस्टमर का फोन रिसीव नहीं करूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने हसन भाई का नंबर डाला हुआ है। ये एनी टाइम सबका फोन रिसीव करेंगे, अभी हसन भाई आपसे बात करेंगे जी। भाई मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कॉल करिए, मगर आप लोग जो कॉल करने का जो टाइमिंग है वो सुबह से 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आप कॉल करिए, मैं आपको सभी तरह से जवाब दूंगा, आपके जितनी हो सके उतनी मदद आपको करूंगा। ठीक है, बाकी आप कभी भी एनी टाइम व्हाट्सअप करिए, आपको व्हाट्सअप पे रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, संडे के दिन छुट्टी रहेगी, संडे के दिन छुट्टी हमारी, 1 बजे के बाद हमारी शॉप बंद हो जाती है यहाँ पर। और हाँ, अगर कोई पार्टी बाहर से आने वाली रहेगी तो हम संडे के दिन उसका वेट करेंगे, हम 3 बजे तक 4 बजे तक उनका वेट कर सकते हैं, लेकिन उनको इतना रहेगा कि उनको खाली एक इन्फॉर्म करके आएंगे। अगर बाहर से कोई भी पार्टी आ रही है, जैसे कर्नाटक है, हुबली है, महाराष्ट्र है, नंदुरबार है, कहाँ से भी कोई भी पार्टी आ रही है, उसको खाली एक फोन करना रहेगा कि हम आ रहे हैं, तो हमारा क्या कुछ इंडिविजुअल कोई काम भी आया तो हम उसको रोक के उनके लिए हम पूरी सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, नंदुरबार की पार्टी अपनी जी, रवाना हुई जी, अभी जो नंदुरबार से आए थे JK पार्क वाले किस्मत, उनको भी हमने 50-60 हजार का माल दिया हुआ था, उनका स्नेम नहीं लिया, वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम उनका भी बताएंगे। ठीक है, ओके।